हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो, हाँ मैं पहुंच रही हूँ। तुम्हारा काम हो जाएगा, ओके? ये लोग रास्ते में साइन बोर्ड क्यों नहीं लगाते हैं? पहले तो गलत लेफ्ट ले लिया, अब गलत राइट। ऐसे तो मैं सारी रात यहीं पे चक्कर लगाती रहूंगी। ये एसी को क्या हुआ? इसे भी अभी खराब होना था। गोली की आवाज, ये कहां से आई? शायद इधर से आई होगी। देखती हूँ। आकाशी जी, पूरा फार्म हाउस तोड़ाने की क्या जरूरत थी? थोड़ा बहुत मरम्मत कराते तो भी चल जाता। गुनी जी, मैं एक बार आपको बोल चुकी हूँ, मैं आपको बार बार नहीं कह सकती कि मुझे ये पुराना फार्म हाउस नहीं चाहिए। मुझे सब कुछ नए सिरे से, नए तरीके से चाहिए, अपनी तरह। मैडम, आप लोग का बजट भी तो नहीं है ना? आपने पहले जो बजट बोला था उसमें मैंने माना था ना, फिर अचानक आपने सारा का सारा बजट दुगना कर दिया। अब मुझे कुछ नहीं पता, अब जो कुछ भी हो आप इसी बजट में सबका सब करके दीजिए। लेकिन मैडम, सीमेंट का भाव दो गुना हो गया तो मैं क्या करूँ? मुझे कुछ नहीं पता गुनी जी, आप इसी में कीजिए जो कुछ करना है। ये गुनीत भी ना, खामखा आकाशी से बहस किए जा रहा है। आकाशी से कोई नहीं जीत सकता। मैं सरहद पे दुश्मन से लड़ सकता हूँ, पर आकाशी से कभी नहीं। कर भाई कर, बहुत पैसे मिलने वाले हैं। अरे भाई जल्दी जल्दी करो, और कितना समय लगेगा? बस साहब थोड़ा सा रह गया बस। मान नहीं रहे, क्या करें? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, देखते हैं। चेतन जी, ये यहाँ कैसे? कमाल है, इस ईंट पर दो दो गोलियां धसी है, कहाँ मिली है आपको? ये वो वहाँ मिला मुझे। ये गोलियां यहाँ आई कैसे? मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्योंकि ये जगह तो काफी दिन से बंद पड़ी है। इसका जवाब तो एक ही आदमी दे सकता है। कौन? आओ आओ दया। और केतन, काफी सालों बाद मिले। अभिजीत कैसा है? आप जी ठीक है। नमस्ते भाभी, ये इंस्पेक्टर सचिन और ये श्रेया। नमस्ते। नमस्ते। कहो कैसे याद किया? क्या बात है, कुछ परेशान लग रहा है? हाँ दया, ये देखो, ईंटों पर गोलियां धसी हैं और ढूंढने पर इस पत्रे पर भी गोलियों के निशान मिले। मुझे कुछ अजीब लगा इसलिए सोचा तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं। गोली के निशान? सर लगता है यहाँ कोई हादसा हुआ है। हाँ कोई हादसा हुआ, शायद गोलीबारी हुई होगी। अच्छा, इसके अलावा कुछ और मिला है? नहीं, और कुछ तो नहीं। सर अगर गोलियां चली थी तो किसी ने आवाज तो सुनी होगी। हाँ आवाज तो सुनी होगी। ये फार्म हाउस कब खरीदा तुमने? यही हाल ही में, कोई मिस्टर संजीव है उनसे। वैसे पता चला कि काफी सालों से वो यहाँ नहीं आए हैं, और ये फार्म हाउस भी काफी सालों से बंद पड़ा है। और रिनोवेशन के लिए तुमने ये फार्म हाउस तोड़ दिया। हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन से कमरे में क्या हुआ था, कब हुआ था और क्यों हुआ था। शायद इस बारे में तुम्हारी मदद मिस्टर गुनीत कर सके। गुनीत? हाँ, ये मेरे आर्किटेक्ट हैं। जी सर। अच्छा, ये पत्रा और ये ईंट कहाँ मिला था? सर आइए बताता हूँ। वो ईट और पत्रा यही मिला था सर। अच्छा, जब इस फार्म हाउस को तोड़ा गया था उस वक्त यहाँ क्या था? सर यहाँ एक कमरा था और उसकी फ्लोरिंग इन टाइल्स से बनी हुई थी। ठीक है सचिन, ये जो मलबा है इसे फॉरेंसिक लैब भिजवा दो, और आसपास के इलाके में जाके पूछते हैं। अभी जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुई है उस फार्म हाउस पर। हाँ सर, अजीब बात है कि इतनी सारी गोलियां चली हैं। दो गोली दीवार पे भी मिली, दो गोलियों के रिकोशे होने का निशान है स्टील की प्लेट, फिर भी किसी के घायल होने या मरने का कोई सबूत नहीं मिला सर। तो जरूर कोई ना कोई साजिश रची गई है उस फार्म हाउस में। सर ये मिस्टर संजीव है सर, वो फार्म हाउस पहले इन्हीं का था। आइए। सर ये सच है कि वो फार्म हाउस पहले मेरा था, लेकिन वहाँ कब और क्यों गोलियां चली
इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है सर। ये लो, सुन लिया अभी, इनके फार्म हाउस में गोलियां चली मगर इन्हें पता ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं सच कह रहा हूँ सर। कैसे यकीन करें आपकी बात? अगर आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है तो ये देख लीजिए। क्या ये? कोर्ट के कागजात, जिससे साफ साफ जाहिर होता है कि केतन और आकाशी को ये फार्म हाउस बेचने से पहले इस प्रॉपर्टी को लेकर केस चल रहा था। 2003 से ये फार्म हाउस कोर्ट के कब्जे में था सर, और 2 महीने पहले जैसे ही कोर्ट का फैसला मेरी फेवर में आया, मैंने तुरंत ये फार्म हाउस केतन और आकाशी को बेच दिया। आकाशी और केतन को बेच दिया? ये नीलांजना कौन है? नीलांजना? नीलांजना मेरी आंटी है सर, और इस फार्म हाउस को लेकर कोर्ट में जो केस चल रहा था ना, वो इसी के साथ चल रहा था, मेरी आंटी नीलांजना के साथ। तो आपके मुताबिक 2003 से यानी 9 साल से इस फार्म हाउस में कोई नहीं रह रहा था, ये बिल्कुल खाली पड़ा था। जी सर, और जब वो फार्म हाउस खाली पड़ा था तो यहाँ पर किसी के मारने मरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर भी गोलियां तो चली है ना संजीव जी आपके फार्म हाउस में? आपकी आंटी नीलांजना से भी मिलना पड़ेगा रविजीत। इस फार्म हाउस के आसपास जो गांव है वहां भी जाकर पूछताछ करनी पड़ेगी। किसे पता था कि केतन वो फार्म हाउस खरीदेगा और वहां पे गड़े मुर्दे पाए जाएंगे? सर हो सकता है यहाँ पे कोई गैर कानूनी काम हो रहा हो, और सर इसी चक्कर में शायद यहाँ गोलीबारी हुई होगी। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, हमें पता करना है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या था। वो देखिए सर, गाड़ी। सर वहाँ जो आदमी बैठा है शायद उसे कुछ पता हो। चल के देखते हैं। सर ये तो हकीम की दुकान लग रही है। हकीम की दुकान ऐसे सुनसान जंगल? हाँ, ऐसी जगह पे। सुनो भाई साहब। जी, आप लोग शहर से इतनी दूर इन सुनसान जगह पे कैसे? हम यहाँ कुछ तहकीकात करने हैं। कैसी तहकीकात? अच्छा ये बताइए कि आप यहाँ कब से? तकरीबन 10 साल हो गए, लेकिन आप तहकीकात किस बात की कर रहे हैं? वो यहाँ कंसारा के जंगल में एक फार्म हाउस है, हमें उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए। अच्छा वो फार्म हाउस जो अभी अभी बेचा गया वो? हाँ भाई। अच्छा कुछ सालों पहले या कुछ महीनों पहले वहाँ पे गोलीबारी हुई थी, उसके बारे में कुछ जानकारी है, कुछ मालूम है आपको? नहीं साहब, मैं सुबह 10 बजे आता हूँ और 5 बजे चले जाता हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा साहब। हो सकता है गोली चलने की आवाज सुनी हो आपको? नहीं साहब कुछ नहीं, लेकिन हाँ 2-3 साल पहले एक अजीब घटना घटी थी। कैसी अजीब बात, क्या हुआ था? उस फार्म हाउस के पास एक गाड़ी मिली थी। गाड़ी? कब पाई गई थी गाड़ी, कौन था उसमें? 2010 में गाड़ी मिली, गाड़ी खाली थी, धीरे धीरे बच्चों के खेलने की साधन बन गई, और उसमें जो सामान था वो गाँव वाले लेके गए। कैसा सामान? एक औरत का बटवा था और एक अटैची थी, उसमें औरत के कपड़े थे। औरत के कपड़े? हाँ। आपने पुलिस में खबर नहीं की? जी नहीं, किसी ने जरूरी नहीं समझा। अब वो गाड़ी कहाँ? वो गाड़ी कंसारा जंगल के पास मिलेगी, और बच्चे लोग उसमें लुपा छुपी खेलते हैं। ठीक है, थैंक यू। सर ये बात कुछ हजम नहीं हुई, अगर कोई अपनी गाड़ी लेकर जाएगा तो अपना सामान भी तो साथ ले जाएगा, ताकि कोई सुराग ना छूट जाए। हो सकता है वो लड़की वहाँ किसी काम से उतरी और वापस लौटी ना। उस गाड़ी की तलाशी लेते हैं, चलो। देखो कौन आया। हेलो बच्चों, मेरा नाम दया है, आप लोगों का नाम क्या है? मेरी माँ ने कहा है कि किसी भी अनजान आदमी से बात मत करना। क्या? और सही कहा आपकी माँ ने। बोलिए, देखो CID, हम लोग CID से हैं, सोचा आप लोग कुछ बता सकते हैं। अच्छा CID अंकल हो? हाँ। वैसे किस बारे में बात कर रहे हो आप लोग? ये गाड़ी कहाँ से मिली आप लोगों को? वो फार्म हाउस के यहाँ से, हम सब बहुत डरे हुए थे, लेकिन हमारे बाबा और चाचा उन्होंने हिम्मत रखकर गाड़ी में देखा तो किसी औरत का बटुआ और अटैची मिली। बहुत दिनों तक ये गाड़ी वहाँ ही खड़ी थी, इस गाड़ी को लेने कोई नहीं आया था, इसलिए हमारे बाबा ने इस गाड़ी को धक्का मारकर यहाँ खड़ी कर दी। अब हम इसे लुका छुपी और पकड़ा पकड़ी खेलते हैं। बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हो आप लोग गाड़ी का। अच्छा बच्चों, अभी आप लोग कहीं और जाके खेलो और हमें अपना काम करने दो। चलो भागो भागो भागो। गाड़ी की तलाशी लेते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए।
सर ये पावती मिली अंदर से। ये तो किसी पेट्रोल पंप का रिसीट है। 5 नवंबर 2010 को इस गाड़ी वाली औरत ने इस गाड़ी में पेट्रोल भरा था। सर पेट्रोल पंप पे जाके पूछताछ करें? लगता नहीं कोई फायदा होगा। जरूरी नहीं कि उस दिन जिस आदमी ने इस गाड़ी में पेट्रोल डाला हो वो आज भी वहीं पे काम कर रहा हो। सचिन एक काम करो, गाड़ी का चेसिस नंबर निकालो और आरटीओ से पता करो कि इस गाड़ी का मालिक कौन है। सर जी कहिए। नीलांजना जी। जी हाँ, मेरा नाम नीलांजना है, बात क्या है? हम लोग सीआईडी से हैं, एक केस की तहकीकात करने आए हैं। आपके भतीजे संजीव ने आपके बारे में बताया। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही उसने फोन पे सारी बातें बताई थी और ये भी कहा था कि आप लोग आने वाले हैं। आइए ना, अंदर आइए। आइए। आप यहाँ पे अकेली रहती है या? जी मैं यहाँ बिल्कुल अकेली रहती हूँ। वैसे संजीव ने आपको बताया होगा कि उसके और मेरे बीच में फार्म हाउस को लेकर काफी अरसे से कोर्ट केस चल रहा था और फिर उसी दौरान वो फार्म हाउस कोर्ट के कब्जे में आ गया। तो संजीव ने आपको फार्म हाउस पे जो गोलीबारी हुई उसके बारे में भी बताया होगा? जी हाँ बताया था। बात यह है कि वो फार्म हाउस बहुत अरसे से खाली पड़ा था, तो हो सकता है कि बाहर के कोई लोग उसमें घुस आए और उसे खाली देकर उसका गलत इस्तेमाल किया। इतने सालों से आप या आपके परिवार का कोई आदमी फार्म हाउस पे देखरेख के लिए नहीं गया क्या? देखिए हम या तो वकील के साथ या कोर्ट के ऑफिसर्स के साथ वहाँ कभी ना कभी गए थे, नहीं तो वो वीरानी पड़ा रहता था। इतने बड़े फार्म हाउस को आपने ऐसे ही छोड़ दिया था? सिक्योरिटी के लिए कोई वॉचमैन या गार्ड नहीं रखा था? बात यह है कि संजीव और मैं कोर्ट केस के मामले में इतना उलझे हुए थे कि हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। अच्छा क्या मैं आपसे ये जान सकता हूँ कि आपने अचानक फार्म हाउस से अपना हिस्सा छोड़ने का फैसला क्यों ले लिया? आखिर आपको भी फायदा होता ना? जी हो सकता है कि मुझे इससे फायदा होता, लेकिन जैसा कि मैंने आप दोनों को बताया कि मैं अकेली रहती हूँ और मैं इस कोर्ट कचहरी के झमेले में नहीं पड़ना चाहती थी, बस इसीलिए परेशान होकर मैंने ये फैसला लिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि मनुस फार्म हाउस मेरा पीछा ही नहीं छोड़ेगा। ठीक है नीलांजना जी, अभी हम लोग चलते हैं, जरूरत पड़ी तो आपको दोबारा तकलीफ देंगे। जी थैंक यू। सर 2010 में ये कार इस फार्म हाउस के बिल्कुल पास में खड़ी थी। एक लड़की जंगल के बीचों बीच इसी फार्म हाउस के सामने अपनी गाड़ी पार्क करती है, गाड़ी के अंदर अपना सारा सामान छोड़ के गायब हो जाती। वही तो, ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है भाई? ये कुछ और ही चक्कर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है ना सर। इस फार्म हाउस के शूट आउट में और इस लड़की का कोई ना कोई कनेक्शन है सर। हाँ और फिर गाड़ी में क्या हमें कोई हाथापाई के निशान मिले या तोड़फोड़ के निशान? नहीं सर, गाड़ी के आसपास गाड़ी के अंदर सब कुछ सही सलामत है, ऐसा कुछ भी नहीं मिला। अब ये तो लड़की जरूर उस फार्म हाउस की तरफ ही गई है। फार्म हाउस की तरफ? जी सर, फार्म हाउस के चारों तरफ जंगल है, कोई बस्ती नहीं है, कोई मकान नहीं है, तो जाएगी कहाँ? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे किसी जंगली जानवर ने खा लिया हो? हो सकता है किसी जंगली जानवर ने खा लिया हो उसे। लेकिन अभिजीत अगर इस गाड़ी के बारे में हमें और कुछ इन्फॉर्मेशन मिले ना तो लड़की के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं हम। सर इस गाड़ी के चेचिस नंबर से ट्रैक किया जा रहा है इसे, बहुत जल्द गाड़ी की और लड़की की कहानी सामने आ जाएगी। आसान के क्या सर हो रही? शायद तुम्हें पूरा यकीन है कि यही वो जगह है जहाँ से भाड़े पे गाड़ी ली गई थी? हाँ सर यही वो जगह है। तुझे फिर से छुट्टी चाहिए? जी साहब। एक काम करता हूँ, तुझे लंबी छुट्टी के लिए भेज देता हूँ, ठीक है? साहब ऐसा मत कीजिए, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? अभी तू जा, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है साहब, सोच के बताइएगा। कहिए भाई साहब, कंपनी के मालिक आप ही हैं? जी हाँ मैं ही इस कंपनी का मालिक हूँ, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूँ मेरे रेट फिक्स हैं। देखिए भाई साहब, हम आपकी गाड़ी लेने नहीं आए, जो आपकी गाड़ी गुम हुई है उसके बारे में हम कुछ बताने आए, हम लोग सीआईडी से। अच्छा मेरी सफेद मैट गाड़ी मिल गई? आपको कैसे पता हम उसी गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं? अरे मैडम 3 साल पहले वही सफेद गाड़ी तो चोरी हुई थी, कहाँ है वो? आपकी वो गाड़ी हमें कंसारा जंगल के पास से मिली। कंसारा के पास वाले जंगल में? जी हाँ कंसारा जंगल। आप ये बता सकते हैं कि वो गाड़ी आपसे भाड़े पे किसने ली थी? बिल्कुल बता सकता हूँ, ये गाड़ी एक लड़की ने भाड़े पर ली थी 3 दिन के लिए, 2 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक के लिए। लेकिन 5 नवंबर की रात को 10 बजे अचानक उसका फोन आया कि मैं कल सुबह आपकी गाड़ी लौटा दूंगी, लेकिन वो कभी वापस आई ही नहीं। आपको कैसे मालूम? हमें सब मालूम। अब मैडम
अगर वो लड़की मिले तो उसे मेरे पास ले आइएगा, मुझे सब हिसाब किताब चुकता करना है उससे। अच्छा ये बताइए कि आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं लिखवाई? सर कंप्लेंट की थी लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन मेरी गाड़ी कंसारा कैसे पहुंच गई? देखिए अभी तहकीकात चल रही है, हम उस लड़की को ढूंढ रहे हैं फिलहाल। अच्छा ये बताइए कि ये गाड़ी ली किसने थी, आप उस लड़की का नाम बता सकते हैं? हाँ मुझे बराबर याद है, उस लड़की का नाम था रिधिमा। रिधिमा, ये तो एड्रेस भी होगा आपके पास? जी। ये टेस्ट करने के बाद किसे पता था ये नतीजा सामने आया? सर ये तो कोई और ही चक्कर लगता है। तुम ठीक कह रही हो तारिका, मुझे भी यही लगता है। के, क्या पता चला? बॉस यूं समझ लो कि भागते चोर की लंगोटी पकड़ में आ गई। देख के, गोल गोल बातें बनाना बंद कर और काम की बात कर। देखो ये तो सबको पता है कि वहाँ फार्म हाउस में गोलियां चली थी, उसमें से दो गोलियां ईंटों पर जाकर के लगी और बाकी की गोलियां टीन से टकरा करके लौट गई। यार साळुंखे, हमें तो वहां से सिर्फ दो ही गोलियां मिली, बाकी गोलियों का तो पता ही नहीं। एक बात और, उस गोलीबारी में या तो किसी की मौत हुई है या कोई बहुत बुरी तरह से घायल हुआ है। घायल हुआ है ये तो पूरी यकीन के साथ कह सकता है। हाँ सर, ये टाइल्स जो हमें फार्म हाउस से मिले हैं इस पे कुछ निशान है, ये देखिए ये जगह जगह पर फीके पड़ गए, और कुछ टेस्ट से ये पता चला है कि इस पे केमिकल का इस्तेमाल किया गया था। केमिकल? वो किस लिए? खून साफ करने के लिए। खून साफ करने के लिए, मतलब हमारा अंदाजा सही था। बिल्कुल बॉस, आपका अंदाजा एकदम सही था, और उसका सबूत है ये टाइल। इस टाइल का रंग केमिकल और खून की वजह से ऊपर से थोड़ा सा उड़ गया, लेकिन उस वक्त जो खून बहा वो इसके इस जॉइंट में यहाँ जोड़ों में आकर के जम गया, सूख गया, और ये अभी भी मौजूद है। अच्छा ये खून से क्या पता चला तुझे? बॉस इस खून में मुझे तीन अलग अलग लोगों का खून मिला है, जिसमें से दो औरतें हैं और एक आदमी है। क्या कहा तूने? मतलब जब फार्म हाउस में गोलियां चली तब वहां पर तीन लोग मौजूद थे? तीन लोग? अच्छा क्या क्या उम्र हो सकती है उन लोगों की, कुछ बता सकता है? हाँ बस, उसमें से एक औरत की उम्र है 25 से 30 साल के बीच, दूसरी औरत की उम्र है कोई 55 से 60 साल के बीच, और आदमी की उम्र है 35 से 40 साल के बीच। अब इसमें से किसकी मौत हुई है और कौन जख्मी हुआ है ये बताना बड़ा मुश्किल है। तीनों अलग अलग उम्र के लोग? सर ये तीनों फार्म हाउस में करने क्या गए थे? वो तो हम पता लगा ही लेंगे फ्रेडी, पता लगा लेंगे। अच्छा सांखे, ये खून कितना पुराना है? बस ये खून कोई 3 से 4 साल पुराना है। 3 साल पुराना? अभिजीत, अच्छा रिधिमा की माँ के साथ बात हो गई? तो बस रिधिमा की माँ जी को ब्यूरो में बुला लो। अंकिता जी प्लीज प्लीज, देखिए आप उम्मीद मत हारिए, परेशान मत होइए, हम आपकी बेटी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3 सालों से मेरी इन आंखों ने अपनी बेटी को देखने की उम्मीद नहीं छोड़ी, लेकिन पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बेटी कभी वापस नहीं आएगी। एसीपी साहब प्लीज आप मुझे सच सच बता दीजिए, मेरी बेटी जिंदा भी है या नहीं? अंकिता जी सच कहूं तो आपकी बेटी के बारे में हमें कुछ नहीं पता। इतना जरूर कह सकता हूं कि हमें कंसारा वाले जंगल में एक गाड़ी मिली है, वो गाड़ी आपकी बेटी रिद्धिमा ने 3 दिन के लिए किराए पर ली थी। क्या गाड़ी किराए पर ली थी? लेकिन रिद्धिमा ने तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। आपको कुछ नहीं बताया? नहीं। अच्छा 5 नवंबर 2010 को जब आपकी बेटी गायब हुई उस समय उनकी उम्र क्या होगी? 25 साल थी। उसमें से एक औरत की उम्र है 25 से 30 साल के बीच। रिद्धिमा की फोटो है आपके पास? जी है। आपने इनके गायब होने की पुलिस में रिपोर्ट तो लिखवाई होगी ना? जी हाँ करवाई थी, लेकिन पुलिस कुछ भी पता नहीं कर पाई। अगर आप लोग पता कर सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। प्लीज ऐसा मत कहिए, हम आपकी बच्ची को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। अभिजीत इनका डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा। आपको एतराज ना हो तो हमें आपका डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा। डीएनए टेस्ट? मगर किस लिए? कैसे बताएं आपको, वाकई आपकी बेटी के बारे में हमारे पास और कोई जवाब नहीं है। जब आप लोगों को जवाब मिल जाए तो मुझे इतला जरूर करिएगा। जी जरूर बताएंगे आपको, हमारा ऑफिसर आपको घर छोड़कर आएगा। निखिल बाय। सर कहीं
इनका डीएनए मैच न कर जाए। हाँ अभिजीत, मुझे भी डर इसी बात का है कि कहीं ये डीएनए मैच न हो जाए। उस गोलीबारी में कौन घायल हुआ कौन मरा ये तो उस फार्म हाउस में जाकर ही पता चलेगा। वैसे तो आप सभी लोग जरा परेशान होंगे ना कि आप लोगों को यहाँ इस फार्म हाउस पर क्यों बुलाया मैं? देखिए सर, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। लगता है ये मनोज फार्म हाउस मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। जब मैं सब कुछ बता चुकी हूँ तो फिर दोबारा मुझे यहाँ बुलाने का क्या फायदा? फायदा क्या, नुकसान क्या, ये हम तय करेंगे मैम। एक मिनट सर, आपका कहने का मतलब है कि क्या ये सब हमने? मैंने कब कहा कि ये सब तुमने किया? हम तो सिर्फ हमारे सवालों का सही सही जवाब चाहते हैं और कुछ नहीं। तो जो भी सवाल करना है इनसे कीजिए ना, मिस्टर केतन से। फार्म हाउस तो मैं इन्हें बेच चुका हूँ सर। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, क्या मतलब है आपका? आपका कहने का मतलब है कि ये सब मैंने किया है? अरे ये फार्म हाउस तो आप ही ने तुड़वाया है ना। क्या मतलब? देख लिया, सुन लो, मैंने तुमसे मना किया था कि ये फार्म हाउस मत खरीदो, पर तुम हो कि अपनी जिद के सामने किसी की नहीं सुनती हो। अब भुगतो। इस फार्म हाउस में तीन तीन लोगों पर हमला हुआ है, तीन तीन लोगों पर। उसमें दो औरतें थी और एक आदमी था। पता नहीं कौन घायल हुआ और किसकी मौत हुई है। क्या? जी हाँ, और इसी सिलसिले में हम लोग आपसे पूछताछ कर रहे हैं। आपको जो कुछ बताना या पूछना है आप ये संजीव जी से पूछिए। सर मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मैं तो खुद यहाँ पर कई सालों के बाद आया हूँ, फिर मुझे क्या पता कि यहाँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अगर आप नहीं बता सकते तो फिर आप बताइए ना नीलांजना जी। कई सालों से तो तुम दोनों के बीच में इस फार्म हाउस को लेकर कोर्ट का केस चल रहा है ना? जी ठीक कहा आपने, करीब 10 साल से ये कोर्ट केस चल रहा था और इसी वजह से संजीव और मेरे बीच में मन मुटाव है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ आप ही ने किया संजीव से बदला लेने के लिए? क्या ये आप क्या कह रहे हैं, मैं आखिर ऐसा क्यों करूँगी? तो ठीक है, तो केतन जी आप ही बताइए, जब ये फार्म हाउस आपने खरीदा था तो इसकी हालत कैसी थी? ये फार्म हाउस जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था। हाँ, अरे ये तो खंडर जैसा दिखता था। चारों तरफ से दीवारें टूट रही थी। मैंने सोचा इसे रेनोवेट करा लेते हैं, बस इतना ही। रेनोवेट कर रहे थे, मगर इतनी भी क्या दिलचस्पी इस जगह में? देखिए, ये जगह मुझे पसंद आ गई थी और कुछ नहीं। ये जगह आपको पसंद आ गई, हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है ना? आसान के बोल। क्या तो मेरा शक सही निकला है ना? ठीक है, ओके। इस फार्म हाउस का मलबा जो हमने साळुंखे के पास भेजा था, उसके टाइल्स के ऊपर साळुंखे को कुछ खून की ट्रेसेस मिले। उसमें से एक खून का डीएनए अंकिता जी के साथ मैच होता है। यानी सर 25 से 30 साल की लड़की रिद्धिमा यानी अंकिता जी की बेटी। हाँ, मगर सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये रिद्धिमा यहाँ पे करने क्या आई होगी? रेडी, सारे सवालों का जवाब यहाँ है, यहाँ पर। खोदो इस जगह को। निखिल जोर से। अरे ये सब, ये आप सब क्या कर रहे हैं? हमने हाल ही में इस जगह को खरीदा है और आपने पूरा का पूरा तहस नहस कर दिया। आप प्लीज जरा हमें अपना काम करने देंगी? जाइए आप, प्लीज बाहर खड़े हो जाइए, जाइए प्लीज। आकाशी प्लीज बात को समझा करो। प्लीज आप वहाँ खड़े हो जाइए। देखो अब ये केस सीआईडी वालों के हाथ में है, पता तो चलना चाहिए ना कि क्या हुआ यहाँ पर।
सर। कंकाल? कंकाल है? जी सर। संभाल के निकल, संभाल के मिट्टी साफ करने। लेकिन संभाल के, हाँ संभाल के रेडी, संभाल के उठा उठा निखिल उठा। सर इस कंकाल के नीचे एक और कंकाल है। एक और कंकाल? हाँ सर। रिकॉर्ड निकालो उसे भी। संभाल के हाँ। आराम से फ्रेडी। सर ये दोनों कंकाल तो औरत के हैं। हाँ पता नहीं कितने सालों से दफन हुए हैं यहाँ पर। फ्रेडी काम करो, जरा खुद आओ देखो कहीं उस आदमी को भी यहाँ पर नहीं दफना हुआ। संभाल के आराम से, आराम से। सर यहां पे और कुछ नहीं है सर। चलो ठीक है कोई बात नहीं। सचिन काम करो ये दोनों कंकाल सारंगे के पास भेज दो। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस कंकाल की हड्डियां घुटने और कोनी में से गली हुई है। शायद इस औरत को आर्थराइटिस की बीमारी होगी। और सड़के ये दूसरा कंकाल इसकी क्या हालत है? बस इस कंकाल की हड्डियां काफी मजबूत हैं। लगता है इसकी उम्र 25 से 30 साल के बीच में होगी। इसकी उम्र 25 से 30 साल की? एक बात और। वो क्या? इस ज्यादा उम्र वाली औरत को गोलियां मारी गई हैं दो, और इस यंग लड़की के सर पे वार किया गया किसी भारी चीज से। सर अगर गोलियां चली हैं तो फिर उनके पास गन भी होगी, पर गन थी तो फिर लड़की के सर पे भारी चीज से वार क्यों किया? वही तो। सुनके इनके चेहरे बन गए? हाँ इन दोनों के चेहरे लगभग तैयार है, मैं देखता हूँ। सर मुझे लगता है उस आदमी ने ही इन दोनों औरतों का खून किया है, और ऐसा करते वक्त वो खुद भी घायल हुआ होगा। हो सकता है फ्रेडी, बिल्कुल हो सकता है। बॉस ये देखो चेहरे बन गए। ये देखो बॉस ये है वो 25 से 30 साल वाली लड़की का चेहरा, और ये दूसरी औरत का चेहरा। ये तो रिद्धिमा है। इसकी हड्डियों का डीएनए इसकी माँ के डीएनए के साथ मैच होता है। सर ये दूसरी औरत कौन हो सकती है? वो तो पता लगाना पड़ेगा। एक काम करो इसकी फोटोग्राफ्स सारे न्यूज चैनल और पुलिस स्टेशन में भेज दो, किसी ना किसी ने तो इसे देखा ही होगा। मगर सर ये बेचारी रिद्धिमा अब सामने से चल के मरने के लिए फार्म हाउस में क्यों चली आई? वही तो पता लगाना है सचिन की है। रिद्धिमा उस फार्म हाउस तक क्यों गई? क्यों गई वो उस फार्म हाउस में? मगर सर उस घायल आदमी का पता कैसे लगा? पता लग सकता है फ्रेडी, पता लग सकता है। अगर वो घायल हुआ है तो जरूर इलाज करवाने के लिए किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में गया होगा। तो उस फार्म हाउस के आसपास जितने भी हॉस्पिटल या क्लिनिक्स हैं सब में जाकर के पूछताछ करो, पता लगाओ क्या कोई इलाज करवाने आया था क्या। क्या कर रहा है? ये तो रिकॉर्ड चला रहा था। रिकॉर्ड चला रहा? सीआईडी से भागना इतना आसान नहीं है। तुम वही आदमी हो ना जो आज से 3 साल पहले कंसारा के फार्म हाउस में घायल हुए थे? नहीं सर, वो मैं नहीं हूं सर। ए, झूठ मत बोल, वरना चलने के काबिल भी नहीं रहेगा, समझा? मैं सच कह रहा हूं सर। अच्छा तो फिर वो फाइल क्यों जला रहा था? वो तो उस औरत के कहने पे मैंने जलाई सर। औरत की? किस औरत के कहने पे जला रहा था? वो जो भाई तो अंधेरा था सर। उसका नाम मालूम है? उसका नाम है सुरविनी सर। सुरविनी कहाँ मिलेगी? हाँ 55 से 60 साल की औरत है। देखिए कुछ भी पता चले हमें इन्फॉर्म करिएगा। ओके थैंक यू। बड़ी अजीब बात है, परिवार का एक सदस्य लापता हो जाता है,
फिर भी उसके परिवार वाले उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज ही नहीं करवाते। ऐसे कैसे हो सकता है? सर, मैं भी यही सोच रहा हूँ। सरोज के परिवार वाले से ढूंढ ढूंढ के परेशान होने चाहिए, यहाँ तक कि अखबार में इश्तहार देना चाहिए, यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। समझ भी नहीं आ रहा है यह औरत है कौन और उस वक्त ये फार्म हाउस में क्या कर रही थी। हेलो सीआईडी ब्यूरो, ओके ओके ओके, थैंक यू। क्या हुआ? सर कनाडा एम्बेसी से फोन था। कनाडा एम्बेसी से फोन, क्यों? सर उस औरत का चेहरा रिकंस्ट्रक्ट करके हमने हर जगह भेजा था, उसी सिलसिले में हमसे वहाँ कोई मिलने के लिए हमारा इंतजार कर रहा है। गुड गुड गुड, मैं अभी एसीपी साहब को इन्फॉर्म कर देता हूँ। सर अब हेलो सर, उस फोटो वाली लड़की के बारे में कुछ पता चला? एसीपी साहब, आपने जो फोटो हमको भेजे उसको हमने अपने रिकॉर्ड में चेक किया, हमको पता चला कि वो औरत कनाडा की रहने वाली है। कनाडा की? जी हाँ, और ये लड़की उस औरत की दोस्त है और ये भी कनाडा से है। दिसंबर 2010 में इस लड़की ने उस औरत के लापता होने की रिपोर्ट कैनेडियन एम्बेसी में दर्ज कराई थी, हमने इसको कनाडा से यहाँ बुलाया है। आप उनकी दोस्त हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? ईरा। ईरा, ईरा आप कैसी जानती है उनको? हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, इसलिए हम अच्छे दोस्त भी थे। तो क्या उनके कोई रिश्तेदार या करीबी दोस्त वगैरह कोई आए नहीं आपके साथ? नहीं सर, उनका कोई करीबी रिश्तेदार था ही नहीं। तो फिर नवंबर 2010 में ये औरत कनाडा से हिंदुस्तान क्या करने आई थी? कह रही थी कि कोई कोर्ट कचहरी का मामला सुलझाना है। कोई कोर्ट कचहरी का मामला? कैसा कैसा मामला, कुछ पता है आपको? ये तो मुझे नहीं पता, पर आप लोग इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आखिर हुआ क्या है? देखिए, उस औरत का और एक जवान लड़की दोनों का खून हुआ है और उसकी तहकीकात हम लोग कर रहे हैं, हम सीआईडी से। क्या? कब? ये सब कैसे हुआ? किसने किया? उसी का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। वैसे नाम क्या था आपकी दोस्त का? नीलांजना। क्या कहा? नीलांजना? जी। ये कैसे हो सकता है? क्या आप इस औरत को जानती है? कभी देखा है इसे? नहीं सर, मैं इन्हें नहीं जानती, मैंने पहली बार देख रही हूँ। आप इसे नहीं पहचानती? इन्हें पहले कभी नहीं देखा? I see. तो सारा चक्कर ये है। वाले को भी ना आज इतनी देर से आना था, ये कोई वक्त? अरे आप लोग इस वक्त यहाँ? अरे आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक तो हूँ, क्यों क्या हुआ? अरे आपकी जान को खतरा है नीलांजना जी। मेरी जान को खतरा? लेकिन मेरी जान को क्यों खतरा है? क्योंकि आप संजीव की आंटी हैं। कोई है जो नहीं चाहता है कि संजीव और उसके परिवार वालों में से कोई जिंदा रहे। सर एक काम करते हैं, नीलांजना जी को जेल ले जाते हैं। हाँ, उससे ज्यादा महफूज जगह हो ही नहीं सकती, खूनी हमला ही नहीं करेगा। जेल? मैं क्यों जेल जाऊं? मैंने क्या किया? अरे आप समझ क्यों नहीं रही हैं? क्योंकि आप नीलांजना हैं, संजीव की आंटी। खूनी को जैसे पता चलेगा कि आप नीलांजना हैं, संजीव की आंटी, वो आपको मार देगा। फार्म हाउस हत्याना चाहता है ना? और खूनी ने एक बार संजीव को मारने की कोशिश भी की है। क्या, संजीव को मारने की कोशिश की? हाँ, और संजीव ने उसे बता भी दिया है कि आप उसकी नीलांजना आंटी हो। लेकिन मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं तो... अरे आप परिस्थिति की गंभीरता को समझ क्यों नहीं रही हैं नीलांजना जी? 3 साल पहले इसी चक्कर में फार्म हाउस में गोलीबारी हुई है। चलिए चलिए जेल में ले चलते हैं आपको, क्योंकि आपकी जिंदगी और मौत का सवाल है नीलांजना जी। छोड़िए मुझे, मैं जेल क्यों जाऊं? मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया, और फिर मैं नीलांजना हुई नहीं, मैं तो सुरभि नहीं हूँ। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। सुरभि जी, नवी अंदर आओ, जरा देखो, यही है वो जिन्होंने तुम्हें पैसे दिए थे क्लिनिक के रिकॉर्ड जलाने के लिए। ये कौन है और ये यहाँ क्या कर रहा है? यही अवस्थी साहब, यही औरत है। ये सरासर झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बकवास नहीं है ये, आपने इसे पैसे दिए थे क्लिनिक से रिकॉर्ड जलाने के लिए, बोलिए। मुझसे गलती हो गई सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अब इस गलती का प्रायश्चित कीजिए और बताइए 5 नवंबर 2010 को उस फार्म हाउस से जो आदमी घायल होकर क्लिनिक में गया था कौन था वो?
हाँ मैं पहुंच चुकी हूँ। कितनी देर लगा रहे हो, जल्दी आओ। घंटे से इंतजार कर रही हूँ मैं, इतना वक्त क्यों लगा दिया? मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, ऐसे में बिना सोचे समझे एक भी कदम उठाना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। अच्छा, रिधिमा और निलंजना आंटी का खून करते समय तो तुम्हें इतना वक्त नहीं लगा था? चुप, ऐसी बातें इतनी ऊंची आवाज में नहीं करते। तुम्हें पता है हमारे पीछे CID पड़ी है। CID, जानते हो तंग आ चुकी हूँ मैं CID से भागते भागते और तुम्हारा साथ देते देते, नहीं सहा जाता अब मुझसे। क्या मतलब, क्या इरादा है तुम्हारा? मेरा इरादा ये है कि मैं CID को सब सच सच बता दूंगी। और मैं क्यों किसी से डरूं? मैंने किसी का खून नहीं किया। मगर मैंने तो किए हैं, एक नहीं दो दो खून किए हैं मैंने, और तीसरा खून करने से पहले मेरे हाथ कांपेंगे नहीं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही करूंगा। CID? क्यों संजीव जी, मैं आपको बड़े चालाक समझते हो है? चलो हमारे ब्यूरो में चलो, तुम्हारी सारी चालाकी निकालते हैं। ले चलो इसे। तेरा भागना बेकार है। सुरविनी पर जानलेवा हमला किया तुमने, मगर वो बच गई। मगर दो खून तो कर चुके ही हो तुम, इसलिए तुम्हें फांसी के फंदे से कोई बचा ही नहीं सकता। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अच्छा, फार्म हाउस की लालच में आपने पहले नीलांजना का खून किया, फिर उस इल्जाम से बचने के लिए बेचारी रिधिमा को भी मार डाला। ये सब मेरे उस निकम्मे अंकल की वजह से हुआ है। अंकल की वजह से? इसमें उनका क्या दोष है? उन्होंने अपनी वसीयत में ये फार्म हाउस मेरे और निलंजना आंटी के नाम कर दिया था। उस निलंजना आंटी के नाम जो कभी थी ही नहीं। मतलब जिस औरत को तुमने मारा वो तुम्हारी निलंजना आंटी थी नहीं? नहीं, और अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना आए तो इस ईरा से पूछ लीजिए, उसकी दोस्त है ये। क्यों ईरा जी, क्या कह रहे हैं? जी सर, ये सच कह रहे हैं। मैं वो फार्म हाउस बेचना चाहता था, और वसीयत के मुताबिक जब तक निलंजना आंटी उस वसीयत पर दस्तखत ना करे वो फार्म हाउस बिक नहीं सकता था और किसी ट्रस्ट में चला जाता। और निलंजना नाम की कोई आंटी तो थी ही नहीं, इसलिए मैंने फैसला किया क्यों ना मैं ही किसी को निलंजना आंटी बनाकर पेश करूं। मगर इससे पहले कि मैं ऐसे करता, कोई औरत कैनेडा से आ गई और आकर मेरी निलंजना आंटी होने का दावा करने लगी। मैंने उससे मिलने का फैसला किया। आइए 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 आइए। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, बोलो संजीव बेटा। संजीव बेटा, नाटक मत करो, क्योंकि मुझे पता चल गया है ना ही तुम निलंजना हो और ना ही मेरी आंटी। ये कैसे बातें कर रहे हो? सच कह रहा हूं, इसलिए अब तुम भी सच सच बता दो, वरना 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 तुम क्या कर लोगे संजीव बेटा? कल तुम अपनी आंखों से देखोगे कि मैं अपने आप को सही निलंजना साबित करूंगी। और वीरेन जी, जो तुम्हारे अंकल है उनकी प्रॉपर्टी पर मेरा भी हक है, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं केस कर दूंगा तुम्हारे ऊपर, अदालत में साबित कर दूंगा कि तुम निलंजना नहीं हो। शायद तुम साबित कर भी दो, लेकिन साबित करते करते तुम्हें कई साल लग जाएंगे, ये तुम भी जानते हो। और तब तक तुम इस फार्म हाउस की एक भी ईंट को बेच नहीं पाओगे। मैं
मैं जान ले लूंगा तुम्हारी। मैं एक औरत हूं, इसलिए मुझे कमजोर मत समझना। गन चलाना मुझे भी आता है। ओके, चलो 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 गोली, मैं चला दूंगी। चलाओ ना। अरे चलाओ ना। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो औरत मेरे खिलाफ ही साजिश रचेगी। रिद्धिमा, उसे क्यों मारा? उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? उसने मुझे खून करते हुए देख लिया था, इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए मैंने उसका भी खून कर दिया। रिद्धिमा और नीलांजना को मारकर तुमने उन दोनों को फार्म हाउस में गाड़ दिया और उस पर टाइल्स लगा दिए ताकि किसी को पता न चले, मगर रिद्धिमा और नीलांजना के कंकाल ही तुम्हारे खिलाफ सबूत बन गए। अब तुम्हें फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।